तो मार्वल की सीरीज़ हॉकर का ट्रेलर रिलीज हो गया। अगर मैं इस सीरीज़ की बात करूँ, ये मार्वल की इस साल की सबसे लास्ट सीरीज़ होने वाली है। अगर हम अभी बात करें से वट इफ सीरीज से स्ट्रीमिंग पर, इसके बाद हमें हॉकर सीरीज़ देखने को मिलेगी। ये 2021 की लास्ट सीरीज़ होने वाली है। और अगर हम हॉकर करेक्टर की बात करें, इसकी अलग ही फैन बेस है। मतलब अगर हम सुपर हीरो फैन बेस की बात करें, लोग कैप्टन अमेरिका को पसंद करते हैं, लोग आयरन मैन को पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग भी उनमें से होंगे, बहुत ज़्यादा फैन बेस इस हॉकर करेक्टर की भी है, जिसको मैं बात करूँ जेरेमी रेनर एक्टर प्ले करते हैं। तो जैसे कि सुपर हीरोज़ की भी बहुत ज़्यादा फैन बेस है, तो इस सीरीज़ को तो देखना ही बनता ही है। अगर हम इस सीरीज़ की बात करें, हमें नवंबर के एंड में, आई थिंक नवंबर 24 में हमें वाली सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हम हॉकर के ट्रेलर के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका हम रिव्यू करेंगे, हम कुछ सीन्स के बारे में बात करेंगे, कुछ सीन्स का ब्रेकडाउन करेंगे। हम ये बात करेंगे कि हम इसके सीरीज़ में या इसके टीवी शो में हमें पॉसिबिलिटी क्या स्टोरी देखने को मिल सकती है। तो पूरा रिव्यू देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी स्पॉइलर वार्निंग, जैसे कि हम इस ट्रेलर के बारे में बात करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें स्पॉयलर्स तो होंगे, तो आप इस वीडियो को तब भी देखेंगे अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा हो। आई थिंक सब ने वाला ट्रेलर देख लिया होगा, क्योंकि हमें 1.5 मिनट तक का तो ट्रेलर देखने को मिला। वैसे एक स्पॉयलर वार्निंग की आप इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं जो हम हॉकर के ट्रेलर के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब हम हॉकर सीरीज़ के बारे में बात करें, इसका हमें एक सीज़न 1 देखने को मिला। टोटल एपिसोड्स की बात करें, ये भी मुझे थोड़ा हैरान की जानी, इसमें हमें टोटल 6 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। मतलब इससे पहले हमने वांडा विजन में भी देखा, आई थिंक उसमें 9 या 10 एपिसोड्स है। वट इफ में तो चलो 10 एपिसोड है, तो एनिमेटेड सीरीज समझ भी आता है। हमें लोकी में भी तकरीबन 6 एपिसोड्स ही देखने को मिले थे, इस हॉकर सीरीज में भी हमें 6 एपिसोड्स देखने को मिले। तो इसकी अगर हम यहीं से अगर हम एपिसोड की बात करें, तो हाँ हम कह सकते हैं हमें स्टोरी थोड़ी सी शॉर्ट कर ये लोग कल के फास्ट करके दिखाएंगे। ये मुझे जान के थोड़ा सा हैरानी भी हुई कि सिर्फ 6 एपिसोड्स। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मार्वल वालों ने ना सबसे पहले इस बात पर खुश हूँ कि मार्वल वालों ने ना हॉकर करेक्टर के साथ ना जस्टिस किया है, इसको एक अपनी प्रॉपर सीरीज देखी। जैसा कि हमें पता ही, हमें काफ़ी देर से मतलब इस करेक्टर की बात करें हॉकर या क्रिंट बर्टन करेक्टर की बात करें, हॉकर के नाम से हम इसको जानते हैं, ये हमें काफ़ी देर से देखने को मिला है। एवेंजर्स अगर मैं बात करूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये हमें थॉर 1 से इस मूवी में देखने को मिला है 2011 से। और अब अगर हम इसकी सीरीज़ की बात करें, हमें 2021 में इसकी सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो हाँ, ये इसके मार्वल ने काफ़ी अच्छा जस्टिस किया इसके साथ। यानी ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ एक सोलो मूवी दे रहे थे इन लोगों ने इसको मूवी नहीं बल्कि एक प्रॉपर सीरीज़ दी, एक प्रॉपर टीवी शो दिया, जो कि मुझे जान के काफ़ी अच्छी खुशी हुई थी जब मुझे पता लगा था कि इस करेक्टर को भी वांडा विजन और लोकी की तरह भी इसको अपनी एक सीरीज़ दे रहे हैं। अगर मैं वांडा विजन की बात करूँ, लोकी की बात करूँ, उसका तो हमें पता ही था, उसकी तो अपनी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। मगर हाँ, मुझे काफ़ी जान के खुशी हुई थी कि इस करेक्टर के साथ उन लोगों ने जस्टिस किया इसको अपने टीवी शो की टीवी सीरीज़ देके। और ये करेक्टर जो है ये डिजर्व भी करता है अपनी सीरीज़। मतलब जैसा कि मैंने बोला, हमारा वन ऑफ द सुपर हीरोज़ में से अगर बात करें, फेवरेट सुपर हीरो ये भी होता है। मतलब जिस तरह से इसका करेक्टर इन लोगों ने डिवेल्प किया, काफ़ी अच्छा करेक्टर डिवेल्प करते ये लोग आए हैं। तो हाँ, ये करेक्टर डिजर्व भी करता था अपना एक अलग से सोलो टीवी शो लेना। अब अगर हम इस ट्रेलर की बात करें, हमें कोई 1.5 मिनट तक का ट्रेलर देखने को मिला। अगर हम ट्रेलर की स्टोरी की बात करें, तो ये एक मार्वल वाले ने काफ़ी अच्छी चीज़ की कि 1.5 मिनट में आप लोगों को भी पता लगा होगा, हमें कुछ ज़्यादा रिवील नहीं हुआ। आप लोगों ने भी अगर ट्रेलर देखा था, हमें कुछ इतना ज़्यादा स्टोरी वाइज हमें कुछ इतना ज़्यादा रिवील नहीं हुआ, हमें कुछ इतना ज़्यादा विलन्स के बारे में नहीं पता लगा। 1.5 मिनट तक का ये ट्रेलर था, जो कि मेरे ख्याल से सही था, इन लोगों ने ज़्यादा रिवील किया भी नहीं है। अब एक चीज़ के बारे में मैं सबसे ज़्यादा क्यूरियस था, ये जो हमें हॉकर टीवी सीरीज देखने को मिलेगी, इसकी टाइमलाइन क्या होने वाली है। अब हमें टीवी शो मेरा जो अंदाज़ा लगा वो यही है कि हमें एवेंजर्स एंडगेम के कुछ महीनों बाद ही हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर बात करें, आप लोगों ने देखा, ये हमें क्रिसमस थीम पे देखने को मिला है। वहाँ पे क्रिसमस इवेंट चल रहे हैं, लोगों ने जो क्रिसमस थीम और जो स्नो और सब कुछ जो बैकग्राउंड में क्रिसमस सॉन्ग दिया ना, ये ट्रेलर को अमेजिंग बनाते हैं। और हाँ, ये अलग ही शो को बना देता है। इन लोगों ने स्पेशली जो क्रिसमस का थीम यूज़ किया ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। तो इससे ये तो इसका क्रियल हो गया, एवेंजर्स एंडगेम के कुछ महीनों बाद ही इसकी ये वाली स्टोरी शुरू हो रही है। और जो इन्होंने बैकग्राउंड पे क्रिसमस सॉन्ग भी लगाया ना, वो एक मतलब इस ट्रेलर को ऑब्वियसली मूवी में भी यूज़ होगा, इस ट्रेलर को एक अलग ही मतलब मैं बोलूँ अलग ही फीलिंग आती है इस ट्रेलर को देखते हुए, जो इन लोगों ने बैकग्राउंड में स्पेशल सॉन्ग ऐड किया। मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा वो वाला सॉन्ग लगा। अगर हम स्टोरी की बात करें, जो कि हमें ट्रेलर देखने के बाद पता लगती है, वो ये कि क्रिन जो है अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस स्पेंड कर रहा है, अपनी फैमिली को मतलब टाइम दे रहे उसके साथ क्रिसमस स्पेंड कर रहा है। दूसरी तरफ ये देखते हैं कि एक और जो है करेक्टर, जो है एक और वो हमें बाद में पता लगता है कि एक और करेक्टर जो है उसी के मैंने क्लिन बार्टन का जो हॉकी बना हुआ है, और शहर में जो है मैं बात करूँ शहर में हॉकी बना फिर रहा है। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यही है कि उसने जो मैं बात करूँ उसने वही सूट पहना होता है, जो कि अगर आप लोगों ने एवेंजर्स एंडगेम देखी है, एवेंजर्स एंडगेम में हमें जिसका एक जैपनीज सूट पहनने को मिलता था, जब हम देखते हैं कि जब उसकी फैमिली, अगर मैं बोलूँ जब थैनोस स्नैप करता है उसकी फैमिली गायब हो जाती है, हॉकर जो सूट पहनता है इसी करेक्टर ने भी वही वाला सूट पहना होता है। और अगर मैं उस करेक्टर की बात करूँ, वो हम देखते हैं कितनी बुरी तरह से ब्लूटली लोगों को मार रहा होता है, तो अब लोगों सिटी को यही लग रहा है कि वो वाला मैं बात करूँ
हॉकर वापस आ गया है। और हम ये देखते हैं कि हॉकर जब उसको पकड़ने जाते हैं उसका नाम होता है केट बिशप, अगर केट बिशप और एक लड़की होती है। मैं अगर बात करूँ कि यही एक लड़की है जो कि हॉकर बनी, हॉकर जो है उसके नाम से जो है हॉकर बनी फिर दी शहर में जो उसके नाम का यूज़ कर रही है। हमें एक शहर में दो दो हॉकर देखने को मिल रहे हैं। ये क्रिन पार्टन जो असली में हॉकर उसकी कोई वेरियंट तो नहीं लोकी की तरह, होने को तो कुछ भी हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल से मैं ये वाला एंगर इस मूवी इस सीरीज में देखने को मिल सकता है। वैसे इसके भी चांस मिले मगर मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये वाला एंगर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को केट बिशप का नहीं पता, हमें कॉमिक्स में भी कॉमिक ये असल में कॉमिक कैरेक्टर है। अगर हम इस हॉकर सीरीज की बात करें मार्वल इसको भी कॉमिक स्टोरी पर ही फॉलो कर रही है। अगर हम इस कैरेक्टर की बात करें ये भी कॉमिक्स में हॉकर की एरो चलाती है, इस पर इसको भी एरो की अच्छी खासी कमांड है मगर उतनी अच्छी नहीं जितनी हॉकर की। हमें बहुत सीन भी देखने को मिलता है जहाँ पर वो एक बेल पर निशाना मारती है मगर वो मिस होता है जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग जो है पूरी क्रैप्स हो जाती है। इसे भी क्रिन पार्टन की तरह इसकी भी अच्छी खासी एरो पे कमांड है मगर उतनी नहीं जितनी असल में हॉकर की है। हमें जो इन दोनों की यहाँ पर जितनी फनी केमिस्ट्री दिखाई गई है, आई होप हमें सीरीज में इन दोनों की इतनी फनी केमिस्ट्री देखने को मिले। क्योंकि ये मैं बात करूँ हॉकर इस सीरीज का नाम हॉकर है, ये शो का नाम हॉकर है, ये इन दोनों पर ही बेस होने वाला है। मतलब मेनली हमें यही दो करेक्टर्स जो है ऑन स्क्रीन देखने को मिलेंगे, पूरा शो इसी पर ही बेस होने वाला है। पहले तो हमें लगा था ये हॉकर पर बेस होगा, यानी अगर मैं बात करूँ हॉकर की सोलो करेक्टर पर बेस होगा यानी कि क्रिन पार्टन पर बेस होगा, मगर यहाँ पर अब उसके साथ मैं अगर बात करूँ ये करेक्टर भी फीमेल करेक्टर भी एड हो गई है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये वाला पूरा सीरीज इन दोनों करेक्टर पर ही बेस होगा, ज़्यादा स्क्रीन टाइम इन दोनों करेक्टर को ही मिलेगा। यहाँ पर मैं सीरीज में हॉकर की दो लाइफ देखने को मिल सकती है। मैं हॉकर बोल रहा हूँ यानी कि क्रिन पार्टन, एक अगर लाइफ की बात करूँ वो अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस स्पेंड कर ले, दूसरी लाइफ की बात करूँ वो अगर वो केट बिशप के साथ एनिमीज को मारने में उसकी मदद कर रहा है। लोकी की बात करूँ वो मल्टीवर्स में मसरूफ है, वांडा विजन की बात करूँ उसने अपनी ही रियलिटी बनाई हुई है। यहाँ पर अगर मैं क्रिन पार्टन की बात करूँ ये अपनी क्रिसमस मनाने में ही मसरूफ है। अब देखिए ये जो हमें स्टोरी दिखाई गई है ना, हाँ मुझे तो काफ़ी अच्छी स्टोरी लग रही है। मतलब जितना भी तक हमें इतना ज़्यादा रिवील नहीं हुआ, हमें तो सिर्फ मैं बात करूँ एक आउटलाइन सीन स्टोरी की दे देते, हमें ये स्टोरी देखने को मिल रही है। आई एम श्योर हमें सीरीज में बहुत ज़्यादा टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। ये तो सिर्फ हमें सिर्फ आउटलाइन सी दी है, हमें स्टोरी में ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं केट बिशप के बारे में बात करना चाहूँगा, हमें सिर्फ उसके बारे में बताया गया कि वो भी उसी की तरह एरो चलाती है, मतलब उसकी भी एरो में बहुत अच्छी कमांड है, मगर हमें उसके बारे में इतना नहीं बताया गया कि आखिर वो चाहती क्या है, मतलब उसका असल में उसका रियल मिशन क्या है, कि वही तो नहीं इस पूरे सीरीज की मेन विलन जिसके हो सकते हैं चांसेस हों। मगर हाँ ये अच्छी चीज़ थी कि मार्वल वालों ने इतना कुछ ज़्यादा रिवील नहीं किया इस करेक्टर के बारे में। और जैसा कि मैंने बोला मैं पूरी सीरीज में इन दोनों पर ज़्यादा फोकस होकर हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे हॉकी जो, अगर मैं क्रिन पार्टन की बात करूँ वो कैसे केट बिशप की हेल्प कर रहा है, उसको ट्रेन कर रहा है, उसको मैं बात करूँ उसको ट्रेनिंग के लिए उसको ट्रेन कर रहा है उस जैसा बनने में, यानी कि रियल हॉकी बनने में। तो यानी हम इस सीरीज में जो फादर डॉटर का रिलेशन भी देखने को मिलेगा लाइक ब्रेकिंग बैड, मगर उसमें हमें फादर और सन का रिलेशन देखने को मिला था। तो हाँ मैं इन दोनों की केमिस्ट्री के भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हम इन दोनों के रिलेशन में मतलब ये लोग कैसे दिखाते हैं इन दोनों की केमिस्ट्री के भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमें फनी एलिमेंट भी इस सीरीज में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, हमें बहुत ज़्यादा एक्शन भी सीरीज में देखने को मिला। हम इसको एक्शन बोलूँ या फनी एक्शन सीन्स बोलूँ, क्योंकि हम इस सीरीज में एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं, मगर जितने भी एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं मतलब वो हमें फनी रूमड एक्शन सीन्स दिखाए गए, मतलब उन एक्शन सीन्स में भी कहीं ना कहीं फनी चीज़ है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कुछ लोग क्रिन पार्टन को पकड़ लेते हैं और वहाँ पर केट बिशप आ जाती है उसको छुड़ाने, वो भी हमें एक फनी एलिमेंट से ही लग रहा है। उन लोग वहाँ भी उन लोगों ने फनी सीन इंक्लूड किए, तो हाँ हमें एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे, साथ हमें फनी सीन्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि मेरे ख्याल से सही बात है, इसमें हमें फन भी देखने को मिलेगा। तो ट्रेलर देखने से तो ये तो साफ हो गई, इस ट्रेलर ये हमें फनी एक मैं बात करूँ एक्शन के साथ साथ ये एक फनी सीरीज भी होने वाली है। एक्शन सीन की बात को जैसा कि मैंने अभी प्रीवियसली मेंशन किया कि हाँ काफ़ी अच्छे एक्शन सीन थे, उसमें उस सीन के बारे में बात करना चाहूँगा जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है बम की जो बोतल होती है, मैं अगर बात करूँ बम की बोतल होती है वो विंडो पर फेंक देते हैं, अंदर क्रिन पार्टन होता है और वही वो बोतल उस दोबारा से उसी तरफ फेंक देते हैं। और बिल्कुल यही वाला सीन मुझे मनी हाइस्ट सीजन 5 के लास्ट एपिसोड वाला सीन आ गया, जब हम ये देखते हैं कि गांधिया जो है वो टोक्यो पर बम फेंकते हैं और जो मैं बात करूँ वो दोबारा बम वहीं पर अंदर फेंक देती है। तो बिल्कुल वो वाला सीन मुझे इन दोनों सीन की मैच लग रहा। हम ये नहीं कह रहा हूँ कि इस सीन उस सीन को कॉपी कैसा, तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता, मगर हाँ काफ़ी ज़्यादा रिजेंबलेंस सीन दोनों सीन्स में। एक्शन सीन भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली, स्पेशली जब वो विंडो से बाइक छलांग लगाता है और उसकी रोप टूट जाती है, तो हाँ एक्शन सीन हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। आई होप ये जितना अच्छा हमें ये वाला ट्रेलर देखने को मिला सीरीज भी इतनी ज़्यादा अच्छी हो। यहाँ पर ना इन लोगों ने विलन के बारे में इतना ज़्यादा मेंशन हमें नहीं किया कि मतलब विलन इसको कौन है आखिर, जो है मैं बात करूँ क्रिन पार्टन और केट बिशप लड़ रहे हैं किन लोगों से लड़ रहे हैं। हमें कुछ ग्रुप तो देखने को मिला, कुछ ग्रुप है, कोई मास्क का ग्रुप है, मुझे इतना अभी कन्फर्म नहीं है। हमें विलन के बारे में इतना इन लोगों ने एक्सप्लेन नहीं किया, जो कि अच्छी भी चीज़ है, उन्होंने सारा ही नहीं हमें इस बारे में एक्सप्लेन कर दिया लोकी की सीरीज की तरह के सब कुछ हमें लोग ट्रेलर में बता दें। लोकी में भी वैसे इन लोगों ने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी ट्रेलर में इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। मगर यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज़ है, आप लोगों को यहाँ पर एक फीमेल कैरेक्टर दिख रही होंगी स्क्रीन पर, इनका नाम है इरीना बिशप, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और यहाँ में कंजरिंग और गॉडज़िला जैसी मूवीज में भी देखने को मिली है।
और नाम से तो यही साइड हो रहा है इसका, केट बिशॉप के साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा, आई थिंक इसकी मदर ही होंगी, मुझे अभी ये कंफर्म नहीं, अगर आप लोगों को इस बात का पता है आप मुझे कमेंट में बिल्कुल जरूर बता सकते हैं। हमें जो एलिनर बिशॉप देखने को मिली है केट बिशॉप की मदर हो सकती है। तो हाँ, मुझे अगर आप लोग इस पर लुक अगर गौर से देखें ना, ये कैरेक्टर मुझे विलन लग रही है, अगर आप लोग इस पर लुक के देखेंगे, मतलब जिस तरह से ये रिएक्ट कर रही है, मुझे लगता है कि यही मेन विलन होने वाली है। कीप एन आई ऑन हर। यहाँ पर मैं कोचिस के बारे में भी बात करना चाहूँगा, मगर उससे पहले बहुत बड़ा स्पॉइलर, अगर आप लोगों ने ब्लैक विडो मूवी नहीं देखी तो आप लोग यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मूवी देखी यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर आप लोगों को टाइम आ रहा होगा वहाँ पर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं ब्लैक विडो मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। स्किप कर दिया आप लोगों ने अभी तक। अगर आप लोगों ने ब्लैक विडो मूवी देखी उसके एंड क्रेडिट सीन में आप लोगों को याद होगा, जब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि येलिना जो कि ब्लैक विडो यानी कि नताशा रोमानोव की सिस्टर होती है, उसको ये पता लगता है कि नताशा रोमानोव की डेथ की जो मेन वजह है वो मैं बात करूँ क्रेंट बार्टन यानी कि हॉकाय, तो उसके बाद से ये हमें लग रहा था कि ये जो मैं बात करूँ ये हमें हॉकाय सीरीज में देखने को मिलेंगे, अब यही से बदला लेंगी। मगर हमें इस पूरे ट्रेलर में वो येलिना नहीं देखने को मिला। मैंने जैसा कि प्रीवियसली मेंशन किया, इन लोगों ने हमें विलन के बारे में इतना नहीं बताया, हमें ये भी नहीं पता कि ये वाली करेक्टर येलिना इस सीरीज़ में होंगी भी या नहीं होंगी, मगर जहाँ तक मेरा ख्याल है हाँ हमें ये देखने को तो मिलेगी। हो सकता है यही मेन विलन हो, हो सकता है यही मेन विलन हो और ये मैं बात करूँ केट बिशॉप के साथ मिलकर क्रेंट बार्टन से बदला लें, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आ रही है। मगर हाँ, इस करेक्टर के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं येलिना करेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये इस करेक्टर को इस शो में कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं और ये अपना क्रेंट बार्टन से बदल लेगी भी या नहीं लेगी, अगर लेगी तो कैसे लेगी। यहाँ पर मैं जाते जाते और बात करना चाहूँगा कि ये जो शो है ना, इसका एक मीनिंग देखने को मिलना चाहिए। मीनिंग से मेरा मतलब ये कि देखें, जैसा कि मैंने बोला इन लोगों ने जस्टिस किया होगा के साथ उसका एक अपना सेपरेट शो देखे, अब मीनिंग से मेरा मुराद ये कि ये जो हमें शो है ना इसमें कोई ऐसा मीनिंग दिखे, मतलब ये ऐसे मोड पर ख़त्म हो, इसका लास्ट एपिसोड सीरीज हमें ऐसे ख़त्म हो कि ये आगे जाके भी हमें आगे जाके इसकी स्टोरी कंटिन्यू। जैसे मैं अगर लोकी की बात करूँ, अब हमें उसकी स्टोरी पता है, उस शो का एक मीनिंग था, वो एमसीयू के लिए आगे वाले, मतलब वो जो लोकी, जो लोकी सीरीज़ की मैं बात करूँ वो एक मेन पॉइंट था, उससे उसके बाद से हमारा नज़रिया ही चेंज हो गया एमसीयू को देखने के लिए। तो इस शो का भी सिर्फ ये मीनिंग हो, यही नहीं कि हमें ये बार इसकी स्टोरी पूरे, बस मैं बात करूँ एपिसोड 1 से 6 तक है, यही नहीं कि हमें शो में इसकी पूरी स्टोरी रैप अप इन लोगों ने कर दी, मतलब इसका एमसीयू आगे जाके कोई लिंक नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसका आगे जाके बहुत ज़्यादा लिंक हो, मतलब हाँ थोड़ा सा ऐसा मैं चाहूँगा कि इसका ना मीनिंग हो आगे जाके, मतलब ये शो जो है इंपैक्ट करे एमसीयू में आगे जाके। एक दफ़ा फिर से मैं कहूँगा कि हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा क्रेंट बार्टन के हॉके के लिए काफ़ी ज़्यादा मैं बात करूँ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक दफ़ा मैं फिर से ये कहूँगा कि जस्टिस किया मार्वल ने इसको अपनी टीवी शो की टीवी सीरीज़ देखे। और मैं ट्रेलर की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा ट्रेलर था, हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली, हमें मैं बात करूँ काफ़ी अच्छा हमें एक्शन देखने को मिला, हमें काफ़ी अच्छा कॉमेडी ट्रेलर में देखने को मिला। अब हमें कॉमेडी और ट्रेलर दोनों एक साथ ट्रेलर में देखने को मिले, तो आई होप और हमें शो में देखने को भी मिलेंगे। इसके अलावा हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें देखने को मिली और यही लोग और मार्वल ने ये अच्छा किया कि स्टोरी इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं की, मतलब स्टोरी हमें एक्सप्लेन तो की, मतलब हमें आउटलाइन तो दे दी कि स्टोरी क्या होने वाली है, मगर इतना कुछ हमें रिवील नहीं किया लाइक विलन के बारे में और इतना कुछ स्टोरी के बारे में रिवील नहीं किया, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी। तो बस यही था स्टूडियो में, आई होप आप लोगों को वाली वीडियो अच्छी लगी, मेरे आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को हॉकी के ट्रेलर कैसा लगा, आप लोगों का इस ट्रेलर में फेवरेट सीन कौन सा था। इसके अलावा आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।